जब तक इस घर में झगड़े चलते रहेंगे, मम्मी तो माल कमाती रहेगी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है ईशान, और वो भी अपने बेटे के साथ? क्यों, वो क्यों नहीं कर सकते? मैंने जो उनके साथ किया तो वो क्यों नहीं कर सकते? अब मुझसे ये झूठ भरी जिंदगी नहीं जी जाती। हम ये क्या कर रहे हैं, अपने बड़ों और अपने माँ बाप के साथ छल कर रहे हैं? लगने लगा था। दोबारा लगाइए ना। अरे दीदी आ गई, दीदी आ गई। दो दिन हुआ है तुझे इस घर से गए हुए, ऐसा लगता है जैसे दो साल के बाद मिल रही हूँ बेटा। कभी तुझे आंखों से ओझल किया ही नहीं मैं, स्कूल और कॉलेज के अलावा। तो आपको क्या लगता है मुझे आप लोग की याद नहीं आई होगी? मुझे आप लोगों के बिना रहने की आदत है क्या? पता है इन दो दिनों में रह रहकर मुझे आप लोगों की बहुत याद आई है। पहले सोचा करता था कि सिमरन का ब्याह हो जाए, दिन रात यही सपने देखा करता था। रब से दुआ करता था कि जल्दी से जल्दी सिमरन का ब्याह हो जाए। अब दो ही दिन में 50 बार अपने आप से सवाल कर चुका हूं कि इतनी जल्दी क्या थी अपने जिगर के टुकड़े को विदा करने की। थोड़े दिन और रुक जाता दी। दो दिन में आप भूल गई मुझे, वहां जाकर एक बार भी फोन नहीं किया आपने मुझे। मुझे पता है वहां आकांक्षा दीदी है, तो क्यों याद करोगी इस चंचल? पगली, आकांक्षा की जगह अपनी जगह है और तू, तेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता, मेरी छोटी सी बहन। अरे भाई, सब सिमरन का ही हालचाल पूछते रहेंगे कि दामाद जी को भी कोई पूछेगा? भाई माना कि हमारे लिए नए नहीं है, हमारे ही घर का बच्चा है। भाई पहले ये रणबीर की हैसियत से आता था,
अब पहली बार ये दामाजी की हैसियत से हमारे यहाँ आए। दामाजी, इस घर में आपका स्वागत है। बलदेव अंकल, ये क्या किया? एक पल में पराया कर दिया ना आपने मुझे। आप मुझे सिर्फ रणबीर कहकर बुलाइए, मुझे वही अच्छा लगता है। पुत्र जी, हर रिश्ते की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। उसी के नाते आपका सम्मान करना हमारा फर्ज है। नहीं बलदेव, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ठीक है, अब से हम आपको रणबीर नहीं, रणबीर जी कहकर बुलाएंगे। भाई, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। और हाँ, आप भी हमें बलदेव अंकल नहीं, बाऊजी कहकर बुलाओगे। आप जी भाई, सफर से थकार के आए हैं, हाथ मुंह धोलो, फ्रेश हो जाओ। आओ। अरे एक मिनट। आप दोनों अपना सज्जा पैर आगे रखो और अंदर आओ। आ जाओ, आओ बेटा। आप सब लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। क्यों रणवीर भैया, मेरा मतलब है जीजा जी, आप चुहिया बोलोगे या बिल्ली? ना तो मैं तुम्हें बिल्ली बोलूंगा ना चुहिया। कान चलाओ। अब तो मैं तुम्हें साली बोलूंगा। वो साली होती है आधी घर वाली। ज्यादा बोलोगे ना दीदी को। साली और जीजा के बीच में दीदी कहां से आ गई? लोग सफर में थक गए होंगे, चाहिए आराम कर लीजिए। आइए जिया जी, मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ आराम करना है। आइए आइए। चलो मम्मी जी, आप भी बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ सबके। बैठ जाइए। अरे दो ही दिन में इतनी बड़ी हो गई? वैसे तो ये काम चोर थी, मम्मी इतना बोलती थी, फिर भी है ना, औरत देखो कैसे सारा काम करती है। वो तो इसलिए दी, जब आप घर पर थी तो मैं मना करती थी तो भी आप काम कर देती थी, इसलिए मैं बेफिक्र रहती थी। लेकिन आपके जाने के बाद माँ का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना, नहीं तो आपकी याद में बैठकर रोने लग जाएगी। बैठो ना माँ। सच सिमरन पुत्र, तुम्हारी डोली जाने के बाद ये
ये रातों रात कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है सारी जिम्मेदारी इसने अपनी हाथों में ले ली है। ये जो सारा खाना देख रहे हो ना, इसने अपने हाथों से बनाया है सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। इसने तो रसोई में मुझे अपने पास आने भी नहीं दिया। हाँ भाई, चंचल हमारे लिए हमेशा से ही छोटी थी। लेकिन सिमरन के जाने के बाद अचानक लगने लगा कि भाई ये भी तो बड़ी हो गई है। अब इसके लिए भी रिश्ता ढूंढना होगा। क्या बाबूजी, आप कहां की बात कहां ले आए। अभी मैं कहीं नहीं जाने वाली। वो तो दीदी का रिश्ता अपने बचपन में ईशान। अरे भाई कहाँ खोए आप सब लोग। चले चले खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। देखे तो सही, चंचल ने कही कड़ी में नमक की जगह चीनी तो नहीं डाल दी। मेरी थाली का मम्मी जी थाली दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने तो रणवीर जी को पूछा भी नहीं और खुद ही अकेले अकेले खाना खाने लग गई। बेटा तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, नए जोड़ों को एक ही थाली में एक ही साथ खाना खाना चाहिए। एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। मम्मी जी, जिंदगी भर तो साथ में ही रहना है ना, तो कभी भी खाते रहेंगे। है ना सिमरन? रणवीर जी, पहले की बात और थी। पहले आप इस घर के बेटे थे, पर अब आप इस घर के दामाद हैं। और सिमरन पुत्र, नई नई जोड़ों को एक साथ खाना खाने से ना प्यार बढ़ता है। ऐसा ही क्या करो बेटा, साथ में खाना खाया करो तुम दोनों।
मम्मी जी जिंदगी भर तो साथ में ही रहना है ना, तो कभी भी खाते रहेंगे, है ना सिमरन? सुनते हो? सो गए क्या? बस पड़े पड़े सोने की कोशिश कर रहा था। क्या वो तुम्हें नींद नहीं आ रही? पड़े पड़े यही सोच रही थी, ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है। हम पैदा होते हैं मां बाप के गोद में, दुलार से बड़े होते हैं, वो बचपन की बेफिक्री, हंसना खिलखिलाना, वो मस्ती, वो खुशी। ओ बस बस, कहां चली गई तुम? हैं ओ वापस आ जाओ, अब हम बच्चे नहीं रहे, बच्चों वाले हैं और बहुत जल्द बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, हम नाना नानी बन जाएंगे। पता नहीं आप समझ नहीं रहे या ना समझ बन रहे, क्या ये सब ठीक लगता है? क्या होने वाला था और क्या हो गया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। ओ क्या होना था क्या हो गया ये सब क्यों सोच रही हो? और रब सब ठीक करेगा, ये सोच सोच के ना तुम अपनी भी नींद खराब करी हो और मेरी भी। ओ जो होना है ना अच्छा ही होगा। आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रही थी कि ये सिमरन की शादी जो रणवीर से हुई, ये क्या ठीक हुआ है? ठीक नहीं हुआ? और ठीक नहीं हुआ तो हो जाएगा हैं? वैसे भी रणबीर ना ईशान से बेहतर है और सिमरन को भी कोई शिकायत नहीं है भाई, सिमरन राजी हुई है तभी तो ये शादी की है। वरना तो हम भी इस शादी के खिलाफ थे हैं? ये जो कुछ भी हुआ है उन दोनों की रजामंदी से हुआ है, उन दोनों का फैसला था। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ब्याह करके एक बोझ हल्का कर दिया, बस जाए अपने घर, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। अरे वो हमारी बेटी है। ये सब तुम इसलिए कह रही हो ताकि तुम मुझ पे इल्जाम लगा सको हैं? और मैं बाप हूं, मुझे सबकी फिक्र है और मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, तुम लोगों के बिना मेरा क्या वजूद? आपके मुंह में घी शक्कर, रब करे ये दिन जल्दी आ जाए। ओ आएंगे, जल्दी आएंगे, अब तुम सो जाओ, सुबह मेहमान आने वाले हैं, जल्दी उठना भी है, सो जाओ।
क्या बात है जी, अखबार में कोई चुटकुला पढ़ रहे हो जो इस तरह मुस्कुरा रहे हो? अरे नहीं, मैं व्यापारी आदमी हूँ। व्यापारी आदमी तभी खुश होता है जब उसके फायदे की कोई बात हो, और अखबार में आज ऐसी खबर आई है जिससे हमें कम से कम 50 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये तो माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी सिमरन का पैर इतना शुभ है हमारे घर में, देखना अब सारे तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। हमारे घर में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। मेरा ईशान कहाँ है? देखो सुक्की, जब कैंसर हो जाता है ना तो बहुत दर्द देता है, शरीर के उस हिस्से को काट कर फेंक दिया जाता है, उसे पाला नहीं जाता। तो क्या ईशान कैंसर है? जो ऐसा करे वो कैंसर ही होता है। उसने जो दुख दिया है वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके निशान आज भी इस दिल पे हैं। वो कहते हैं ना कि आग गई पीड़ भी। मैं इस घर में ईशान का नाम नहीं सुनना चाहता। मैं बहुत खुश हूं, और मेरी खुशी में नमक मत डालो। मैंने ये समझ लिया है कि बस मेरे दो ही बच्चे, औलाद अच्छी हो या बुरी, औलाद तो औलाद होती है। फिर मैं उसकी माँ हूं, मैं क्यों उसे याद ना करूं, क्यों उसकी फिक्र ना करूं? अरे यार, तो मेरी फिक्र कौन करेगा? हाँ मैं कहाँ जाऊं? पर क्या सवेरे सवेरे लेके बैठ गई हो तुम? यार ये जब बच्चे हो जाते हैं ना तो पति की तो कोई जगह ही नहीं रहती, ना बेचारा घर का रहता है ना घाट का। अब पता नहीं मुझे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा कि नहीं। सॉरी बेटा, तू ही मुझे दे दे ब्रेकफास्ट, ये तो पता नहीं देगी कि नहीं। हमें लग रहा था पता नहीं ये सब कुछ हो पाएगा कि नहीं, और देख माता रानी की कृपा से सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। अब कितना आसान सा लग रहा है ये सब। सब काम नहीं हुए सुखी, बल्कि ये कहो कि रस्में तो हो गई है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो समस्या थी ना आज भी जस की तस खड़ी।